विवेक सिंह। अच्छा विवेक सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तानी हो तो बीजेपी को वोट दो, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। पाकिस्तान में जाके कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ईरान में जाके कोई हिंदू नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। तो हिंदुस्तान के हो तो हिंदुस्तानी को वोट दो, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हिंदू का साथ दो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस देश में सारे में भगवा लहराएंगे। दिनेश कौशिक और नरेश कौशिक को चाहने वाले इनके कार्यकर्ता, इनके वोटर ढोल की तान पर नाचकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जनता को विधायक नरेश जी का डांस भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से दिनेश सेवामूर्ति जी अपने भाई को राम और अपने आप को लक्ष्मण बताते हैं। आज वही राम लक्ष्मण की जोड़ी रेलवे रोड से पब्लिक के बीच में भारी जन समर्थन के साथ एक हुंकार रैली आखिरी दिन चुनाव प्रचार का अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हुए काफी उत्साहित दिख रहे हैं सभी इनके वोटर और सपोर्टर। ढोल के साथ नाचते कूदते हुए मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज बहादुरगढ़ शहर में चुनाव का आखिरी दिन प्रचार का, और आज बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी इसी रेलवे रोड से अपना शक्ति प्रदर्शन निकालेंगे। उन्हीं के कुछ वोटर सपोर्टर आज रेलवे रोड पर स्थित हैं। इनसे जानते हैं क्या है बीजेपी की बहादुरगढ़ में इस समय स्थिति, किस नंबर पर कर रहे हैं फाइट। आइए कुछ लोगों से करते हैं बातें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा दिनेश कौशिक जी का आज यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्या लग रहा है बीजेपी बहादुरगढ़ में किस नंबर पर फाइट कर रही है? बीजेपी बहादुरगढ़ में नंबर वन पर फाइट कर रही है और नंबर वन ही आएगी, क्योंकि चुनाव एक तरफा हो चुका है। माहौल जो पूरा बीजेपी के पक्ष में आ गया है, सारे भक्त अपने जितने भी हिंदू अपने भाई हैं वो सारे एक मत होकर और बीजेपी को ही वोट देना चाह रहे हैं। चारों तरफ बीजेपी दिखाई दे रही है, और हरियाणा में, पूरी हरियाणा में भी बात करूं तो पूरी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। केवल हिंदुओं की वोट चाहिए खाली? नहीं, पूरे समाज की वोट चाहिए। हिंदू समाज आगे मुस्लिम भी रहते होंगे यहाँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपना मुस्लिम समुदाय भी अपने साथ है, पूरा समुदाय अपने साथ है। लेकिन ज्यादातर जो लोग, हम बेवाद रोड की बात करें तो जितनी और पार्टियां हैं, चाहे इसमें आप इनेलो को ले लो, चाहे आप कांग्रेस को ले लो, वो पार्टियां इसके नजदीक भी दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफा जो है अपने दिनेश कौशिक जी जो है आ रहे हैं। अच्छा भाई साहब, हमने जितने भी गाँव में सर्वे किया है ना, वहाँ बीजेपी का वोटर बोलता नहीं सकुचाता है, और यहाँ ये प्रथा है, ये सुना गया कि बीजेपी का वोटर साइलेंट रहता है, किसी डर के मारे या कारण क्या है इसका साइलेंट रहने का? डर नहीं है कोई भी, किसी में कोई भय नहीं है। क्या कारण है? क्यों नाम नहीं, मतलब हमने आपकी विधानसभा के 20-21 गांव कवर किए हैं, जहां भी हम गए हैं ये बोलते हैं कि बीजेपी की वोट तो बहुत है इस गांव में, लेकिन सब साइलेंट वोटर है। वो कारण जानना था, क्यों है साइलेंट? भाई गांव का तो हम बता नहीं सकते, लेकिन गांव में कोई भी साइलेंट नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं और वो बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा धीरज जी एक बात और बताइए, हमने गांव-गांव जाके सर्वे किया है, यहाँ बहादुरगढ़ की जनता से भी हमने पूछा है, मैं बात करूं झज्जर रोड की या गांव के किसी भी गांव में जाने वाले बहादुरगढ़ से जो कनेक्ट करता है गांव को उन रोडों की, उनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी मैंने देखी नहीं है,
और लोग ये कहते कि भाई राजेंद्र चुन तो करवा देते, लेकिन ऊपर सरकार जो है सूबे में बीजेपी है वहां से बजट ही नहीं मिलता। इस दावे में कितनी सच्चाई लोगों के में? सर दावा तो आपके सामने है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य रहा कि राजेंद्र चुन यहाँ के एमएलए रहे हैं 5 साल और वो भी नहीं चाहते थे कि इसको करना, क्योंकि बीजेपी की। ये सवाल हम इनसे लेते हैं, मैं दोबारा से लेता हूँ सवाल। जैसे झज्जर रोड की हालत देख लीजिए, या जो भी बहादुरगढ़ शहर से गांव को कनेक्ट करता है जो भी रोड, हम भराई में गए थे, भराई में तो मतलब गालियां भी मिली हैं कि भाई हमारा तो कोई सा भी रोड कनेक्ट जो गांव से होता है ठीक है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो उस पे वो दुहाई क्या दे रहे हैं कि राजेंद्र जून जी तो काम करवा देते, लेकिन ऊपर से उन्हें बजट नहीं मिलता क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। बताओ विधानसभा में अपने हलके की बात कौन रखेगा? प्रस्ताव किसके पास ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा में जिसके उनके अकाउंट में फंड आए हैं? सारे फंड लैप्स हुए हैं, चारों विधायक झज्जर जिले में किसके हैं? कांग्रेस के। आज के दिन किसने अपनी आवाज उठाई? सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, जनता को मोहरा बना करके जनता का नुकसान करने का सारा कांग्रेस ने किया है। सारे फंड लैप्स हुए हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? रोहतक रोड टूट, झज्जर रोड टूटा हुआ है, कौन आवाज उठाएगा? पराई रोड टूटा हुआ, कौन आवाज उठाएगा? विधायक का काम आवाज उठाना रहता है। विधायक का काम आवाज उठाना है, और क्षेत्र की जनता कह रही है आवाज उठाते हैं, लेकिन उनको बजट नहीं दे रहे हैं। अरे पत्रकार भाई, आपने आवाज उठाते हो कब देखा? कब आवाज उठाई? हम क्षेत्र की जनता की बात कर रहे हैं, जो हमें उन्होंने क्वेश्चन किया हम उसी बात कर रहे हैं, वही बात मैं बता रहा हूँ। 15 आदमी होते हैं चारों तरफ, इतवार को छुट्टी मनाने यहाँ पे आता है, उन्हीं आदमियों के सामने बिठा के फोटो खिंचवाता है और बोलता है मैंने जनता की समस्या सुनी। एक समस्या का निवारण बताइए भादुर विधानसभा के अंदर, एक भी समस्या निवारण नहीं हुआ। सारे फंड लैप्स हुए हैं, वापसी गए हैं, फंड लगाए क्यों नहीं पब्लिक में? सरकार फंड किस लिए देती है कि पब्लिक में जाके खर्च करो, उनको जनता का मोहरा ना बना जाए। जनता समझ चुकी है, ऐसा कर देगी, वोट कूदने की हिम्मत नहीं देगी राजेंद्र सुन की। चौथे नंबर पे पहुंचा करके दम लेंगे। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, दिनेश कौशिक हमारे विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा, 90 में से कितनी सीट? 90 में से कम से कम 50 सीट पे आज हम खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुमत से सरकार बनाएंगे। दूसरा जो निर्दलीय और उनकी शक्ति, मैं कहता हूँ 25 में सिमट के रह जाएगी कांग्रेस। इज्जत बचाने का रास्ता नहीं है, अपनी हुड्डा को, शैलजा को, सुरजेवाला को, इनको तो बचा लो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? विवेक सिंह। अच्छा विवेक सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तानी हो तो बीजेपी को वोट दो, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। पाकिस्तान में जाके कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ईरान में जाके कोई हिंदू नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। तो हिंदुस्तान के हो तो हिंदुस्तानी को वोट दो, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हिंदू का साथ दो। जैसे अंग्रेजों ने क्या शासन की, अंग्रेज पहले घुसे हमारे देश में, उस टाइम पे मुगलों ने ही ज्यादा मुसलमान राज किए हिंदुस्तान पे, सबको कटवाया, पिटवाया, मरवाया। आज हमारा सोना का चिड़िया इंडिया बोली जाती थी। नरेंद्र मोदी आज हमारे इतना नॉलेज नहीं है, 11-12 पे देश ला दिए। इस टाइम पे नंबर 1 पे चल रहा है अमेरिका, 2 नंबर पे आ गया चीन, इजराइल भी काम कर रही है, रूस भी कर रही है। हम रह जाएंगे जातवादी में ही, सारा विदेश के बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान रह जाएगा जातवादी में ही, करते मरते रह जाएंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। अनुपर गवार वोट नहीं दे पाएंगे, खा के निकल जाएंगे, पैसे लेकर निकल जाएंगे, प्रधानी से ये चल रहा है। अगर वोट देगा तो पढ़ा लिखा देगा प्रधानमंत्री को। बिहार में जाकर देखिए बीजेपी के बहुत समर्थन मिला, बीजेपी को सीट भी बहुत आई। योगी ने इतना काम किया, यूपी में बहुत कुछ काम किया। हरियाणा में कितनी सीट आती दिखाई दे रही है? सर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हिंदू अगर भाई हो सब हो, न्यूज में जा रही है, तो प्लीज बीजेपी को वोट दो। गरीबों का मदद किया, 2,000 रुपया दिया, 3,000 रुपया दिया, लैट्रीन दिया, पैसा दिया, पेंशन दिया। हाँ जी सर, सर सर सर, पहले क्या नाम है आपका? मेरा महेश कुमार है। क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे आप जैसे को कोई पढ़ा लिखा के ले आता है कि ये बात, मैं रोजाना 24 घंटे YouTube पे देखता हूँ पिक्चरें। ये कहते हैं वो पत्रकार उसका है, वो पत्रकार उसका है, उसको पढ़ा के ले आया, उसको सिखा दिया, उसको बता दिया। इसको किसने पढ़ा दिया भाई? मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी भी भाई में अगर अपनी थोड़ी गरिमा है, असली सनातनी है, हिंदू है, तो वो वोट बीजेपी को दो, मेरा ये झंडा देख कर ना दे, मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। शुभ नाम मैम? अनीता वर्मा। क्या विचार रखना चाह रहे हो?
सर मैं तो बस यही बोलूंगी कि जो हमारे देश में राम राज्य को लाए हैं हम उन्हीं को लाना चाहेंगे और एक बार सारे मेरे साथ मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस देश में सारे में भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थी भाई बहादुरगढ़ की जनता, जो दिनेश कौशिक सेवा मूर्ति जी के वोटर और सपोर्टर के रूप में आज इस रेलवे स्टेशन रेलवे रोड पर स्थित है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। देखने की बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बीजेपी को कितनी इस चुनाव में मजबूती मिल पाती है। यहाँ इनके वोटर और सपोर्टरों का तो कहना यही है कि भाई अभी हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी वो नंबर वन पे चले हुए हैं। देखने वाली बात रहेगी 8 तारीख को जो गिनती होती है, कौन बाजी मारता है बहादुरगढ़ विधानसभा के इस मैदान में। तो मैं इस वीडियो का अब यहीं समापन करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अपने साथी दीपक गौतम के साथ मैं ललित भारद्वाज, मेरी पहचान चैनल से, जय हिंद जय भारत।